हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बाइजेंटियम। हमारी आज की कहानी एकदम हटके और अलग होने वाली है, क्योंकि अब तक हमने जितनी भी वैम्पायर्स मूवी देखी हैं, उनमें से इस मूवी का कॉन्सेप्ट एकदम ही अलग है। ये एक कल्ट वैम्पायर मूवीज में से एक है, जिसकी कहानी की शुरुआत एलेनोर नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है, जो अपनी किताब के पन्नों पर कुछ लिखकर बाहर फेंक रही होती है। दरअसल ये लड़की और इसकी माँ क्लारा एक वैम्पायर होते हैं, लेकिन अब एलेनोर इस जिंदगी से परेशान हो चुकी है, जहाँ वो ना मर सकती है और ना ही किसी से अपने दिल की बात कह सकती है। इसलिए अपना दिल हल्का करने के लिए एलेनोर अपनी कहानी को पन्नों में लिखकर हवा में उड़ा दिया करती थी। इंसान हो या वैम्पायर, हर कोई चाहता है कि उसकी कोई सुने और वो खुलकर अपने दिल की बात कह सके। एक दिन हवा में उड़ते हुए ये पन्ने एक बूढ़े आदमी को मिल जाते हैं, जिससे उसे एलेनोर की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। उसकी उम्र भी काफी हो चुकी है, इसीलिए वो एलेनोर से उसको मारने के लिए कहता है। एलेनोर भी उसकी बात को समझती है और उस बूढ़े आदमी को खून पीकर मार डालती है। मरने से पहले एलेनोर उस बूढ़े को अपनी माँ क्लारा के बारे में बताती है, जिन्होंने हर कदम पर उसे इस जालिम दुनिया से बचाकर अब तक महफूज रखा हुआ है। लेकिन जिंदगी सिर्फ प्यार या केयर करने से नहीं चलती, इसीलिए अपना घर चलाने के लिए क्लारा एक बार में डांस गर्ल का काम करती है। जब एलेनोर ये सारी बातें बता रही होती है, उसी समय हम बैकग्राउंड में क्लारा को एक बार में डांस करते हुए देखते हैं। तभी अचानक हम सूट पहने हुए एक आदमी को क्लारा का फोटो लेकर उसके बारे में पूछताछ करते हुए भी देखते हैं। जैसे ही क्लारा उसको देखती है, वो बार से भागना चालू कर देती है। एक अच्छी खासी रनचेस के बाद फाइनली वो आदमी उसको पकड़ ही लेता है और उसे एलेनोर के पास ले चलने की धमकी देता है। अब मरता हुआ इंसान क्या ना करता, इसलिए क्लारा उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। यहाँ पर हमको लगता है कि मानो क्लारा उसके साथ कॉपरेट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था, ये सब तो क्लारा की एक चाल है। बातों ही बातों में मौका मिलते ही क्लारा उस आदमी को बड़ी ही बेरहमी से गला काटकर मार डालती है। अब कौन है ये आदमी और क्यों वो इन दोनों माँ बेटी के पीछे पड़ा है, ये तो हमको कहानी में आगे पता चलेगा। जिसके कुछ ही समय बाद एलेनोर अपने घर वापस आकर अपनी माँ को खून में सना हुआ देखकर मांजरा समझ जाती है। आगे वो लोग पकड़े न जाए, इसीलिए क्लारा उस आदमी की बॉडी के साथ उस घर को आग लगाकर अपनी बेटी के साथ वहाँ से घर छोड़कर चली जाती है। दोनों माँ बेटी आगे अपने रहने के लिए समुन्दर किनारे बसे एक छोटे से गांव के पास आ जाते हैं। लेकिन उस गांव में आते ही एलेनोर को कुछ याद आने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि मानो वो पहले भी यहाँ पर आ चुकी है। एलेनोर को ऐसा क्यों लगता है, यह हमको कहानी में जल्दी पता लगेगा। अब गांव के अंदर क्लारा एलेनोर को गांव घुमाने का कहकर अपने काम पर चली जाती है, क्योंकि अभी उनको रहने के लिए एक जगह की सख्त जरूरत होती है। अकेली एलेनोर जाकर एक होटल में पियानो बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर उसी होटल में काम करने वाला फ्रैंक नाम का एक बंदा पूरी तरह से उस पर फिदा हो जाता है। लेकिन एलेनोर खुद को जानती है कि वो कभी भी अपने पास आने वाले लोगों के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए एलेनोर जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम क्लारा को देखते हैं, जो मौका मिलते ही अपना प्रोस्टिट्यूशन का काम चालू कर देती है। तभी एक बंदा, जिसका इसी टाउन में बाइजेंटियम नाम का एक होटल होता है, उसके सामने फूट फूट कर रोने लगता है। सही मौका हाथ लगते ही क्लारा उसको शांत कराती है और ऐसा दिखाती है मानो वो उसको पसंद करती हो, और बातों ही बातों में उसे उसके होटल में रुकने का पूछ लेती है। जल्द ही क्लारा एलेनोर को उसे अपनी छोटी बहन बताकर इंट्रोड्यूस करवाती है और उस आदमी के साथ उसके होटल में रुकने के लिए चली जाती है। यहाँ हम एलेनोर के पास्ट को देखते हैं। एलेनोर शुरुआत से एक नॉर्मल ह्यूमन थी, लेकिन उसे एक वैम्पायर बना दिया गया। मगर जब वो सिर्फ 16 साल की थी, तब एक आदमी ने उसका रेप कर दिया था। प्रेजेंट में वापस आकर हम देखते हैं कि कुछ लोग आकर उस मरे हुए आदमी की जली हुई बॉडी को देख रहे होते हैं। इन लोगों ने ठीक उसी आदमी के जैसे कपड़े पहने होते हैं, जिसे क्लारा ने मार डाला था। ये लोग देखने में पुलिस वाले तो बिल्कुल भी नहीं लगते, कुछ तो गड़बड़ है इन सब में। दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्लारा को एलेनोर ने अपने वैम्पायर होने वाली बात किसी को भी बताने से मना किया था, लेकिन वो ये बात खुद तक नहीं रख पाई थी, इसलिए क्लारा उसे अपने वैम्पायर बनने की कहानी को बताती है। दरअसल आज से 200 साल पहले क्लारा भी एक नॉर्मल लड़की थी और एक छोटे से टाउन में रहा करती थी। तभी एक दिन अचानक उस टाउन के दो ऑफिसर, जिनके नाम डार्वेल और रूथवेन होते हैं, उनमें से रूथवेन उसे अपनी बातों में फंसाकर प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेल देता है। इसके कुछ ही समय बाद क्लारा एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन उसे इस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे के चलते उस बच्ची को मारने के लिए कहा जाता है। मगर माँ तो माँ होती है, इसलिए वो सबसे छुपकर उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में दे आती है और रोज रात को सबसे छुपकर अपनी बेटी से मिलने जाया करती थी। दरअसल वो बच्ची एलेनोर ही है
और वो अनाथ आश्रम उसी गांव में है जिसमें वो रुके हुए हैं, इसीलिए इलिनॉयर को ये जगह जानी पहचानी लगती है। अब प्रेजेंट में वापस आकर हम देखते हैं कि एक सुबह बाहर घूमते हुए इलिनॉयर की फ्रैंक की बाइसिकल से टक्कर हो जाती है। इलिनॉयर उसको घर ले जाकर छोड़ देती है, जहां से फ्रैंक के पेरेंट्स उसको अस्पताल ले जाते हैं। दूसरी ओर क्लैरा लोगों को मारकर उनका खून पी रही होती है, जो बात इलिनॉयर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए आए दिन माँ बेटी में झगड़े होते रहते हैं। अगले दिन इलिनॉयर फ्रैंक से मिलने अस्पताल जाती है, जहाँ पहले तो वो उसको मारने का सोचती है, लेकिन जल्द ही वो ये प्लान ड्रॉप कर देती है। तभी फ्रैंक की मॉम आकर उसे बताती है कि फ्रैंक को ब्लड कैंसर है, इसलिए खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। यहाँ हम जान पाते हैं कि इलिनॉयर सिर्फ बूढ़े और बीमार लोगों को ही खून पीती है, क्योंकि वो मासूम लोगों की जिंदगी को नहीं छीनना चाहती है, और यही सबसे बड़ा अंतर है इन दोनों माँ बेटियों में। इसीलिए अस्पताल से जाते वक्त वो एक बूढ़ी बीमार औरत का खून पी लेती है, क्योंकि जीने के लिए उसको ऐसा करना ही पड़ता है। जल्द ही इलिनॉयर उसी कॉलेज को ज्वाइन कर लेती है जिसमें फ्रैंक पढ़ता है। यहाँ उनका टीचर अपनी बीती लाइफ पर उन्हें एक बुक लिखने को कहता है। यहाँ इलिनॉयर से हमको पता चलता है कि जब वो छोटी थी तब क्लैरा रोज रात को उसे खिड़की से छुप के देखा करती थी, जिससे वो काफी डर जाया करती थी, क्योंकि अनाथ आश्रम वालों ने उसको बताया था कि उसकी माँ तो मर चुकी है। इलिनॉयर होमवर्क के लिए अपनी जगह अपनी माँ की स्टोरी लिखने लगती है, जिसमें वो बताती है कि जब वो 6 साल की थी तब क्लैरा को टीबी हो गया था। तभी एक दिन अचानक डार्वेल उससे मिलने आता है, जो अभी भी पहले जैसा ही जवान है, मानो उस पर समय का कोई असर ही ना हुआ हो। दरअसल डार्वेल काफी अमीर होता है, लेकिन ज्यादातर समय उसकी तबीयत खराब ही रहती है, और अब तक उसके पास अपना कोई वारिस भी नहीं है, इसलिए रुथवेन की बुरी नजर उसकी संपत्ति पे पड़ जाती है, और वो हर वक्त उसके मरने की उम्मीद करता रहता है। एक दिन कुछ लोग आकर डार्वेल को एक मैप देते हैं और एक जगह जाकर अपना इलाज कराने को कहते हैं। डार्वेल रुथवेन के साथ उस जगह के लिए निकल जाता है, और वहाँ जाकर डार्वेल रुथवेन को पानी लाने के लिए भेजकर अकेले ही गुफा के अंदर चला जाता है। तभी अचानक बहुत सारे बैट्स गुफा से बाहर निकलने लगते हैं और डार्वेल वहीं बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही रुथवेन वहाँ पर आता है, उसको लगता है कि डार्वेल मर गया है, इसीलिए वो घर वापस आकर उसकी सारी संपत्ति पर अपना हक जमाने लगता है। मगर तभी अचानक कई साल बाद डार्वेल वापस आ जाता है, और वो भी बिल्कुल ठीक होकर। दरअसल उस दिन वो मरा नहीं था, बल्कि एक वैम्पायर बन गया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि इलिनॉयर इस सारी कहानी एक बुक में लिखकर फ्रैंक को दे देती है। इसमें लिखी बात को पढ़ने के बाद फ्रैंक को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इलिनॉयर और उसकी माँ एक वैम्पायर है। इसीलिए शाम को वापस से इलिनॉयर से मिलकर फ्रैंक उसको समझाता है कि तुम्हें सच्ची घटना पर लिखना चाहिए, जिसके जवाब में इलिनॉयर उसको बताती है कि इसमें लिखा हर एक शब्द सच है, और ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी है। फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो एक किताब अपने टीचर को दे देता है। उसके टीचर को ये कहानी बहुत पसंद आती है। आगे हम देखते हैं कि इलिनॉयर कहानी को कंटिन्यू करते हुए लिखती है कि उस दिन डार्वेल रुथवेन को वो नक्शा देने आया था, लेकिन मौका मिलते ही क्लैरा उस मैप को चुरा लेती है और खुद उस गुफा में जाकर एक वैम्पायर बन जाती है। लेकिन फिर भी एक दिन डार्वेल उसको पकड़ लेता है और ब्रदरहुड यानी वैम्पायर्स का एक ग्रुप उसके पास ले जाकर उन्हें उसकी सारी बात बता देता है। ब्रदरहुड के सभी लोग इस बात से काफी नाखुश होते हैं, क्योंकि उनके ग्रुप में सभी वैम्पायर्स मेल हैं और क्लैरा पेशे से एक प्रोस्टिट्यूट भी है, इसीलिए ये उनके लिए काफी शर्म की बात होती है। लेकिन फिर भी ब्रदरहुड के लोग उससे ये प्रॉमिस लेकर कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी और ना ही किसी से उस गुफा का जिक्र करेगी, नहीं तो वो उसको मार देंगे, ये सारे चेतावनी देकर उसको छोड़ देते हैं। दूसरी ओर हम रुथवेन को देखते हैं, जो क्लैरा से बदला लेने के लिए इलिनॉयर का रेप कर देता है, लेकिन तभी गुस्से से भरी क्लैरा वहाँ आकर उसको मार डालती है। इलिनॉयर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए क्लैरा उसे अपने साथ उसी गुफा में लेकर जाती है और उसको भी वैम्पायर में बदल देती है। अपनी बेटी से वैम्पायर वाली बात शेयर कर दी है, वो ब्रदरहुड के साथ अपना प्रॉमिस तोड़ देती है, और इसीलिए शुरुआत में दिखाया गया वो बंदा जिसको क्लैरा मार देती है, जो इनके पीछे पड़ा हुआ था, ये उसी ब्रदरहुड ग्रुप का मेंबर था। अब यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि इलिनॉयर फ्रैंक से काफी नाराज होती है, क्योंकि अब उसकी वजह से कई लोग उनके बारे में जान गए हैं। पहले तो इलिनॉयर उसको मारने की सोचती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो भी उसको पसंद करने लगी है, इसलिए अब वो उसको एक वैम्पायर बनाने का सोचती है, क्योंकि वैसे भी वो ब्लड कैंसर से मरने ही वाला है। आज फ्रैंक का जन्मदिन है, इसीलिए वो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इलिनॉयर को इनवाइट करता है। इलिनॉयर गिफ्ट के रूप में उसको वही मैप देती है, जिससे उस वैम्पायर बनने वाली गुफा तक पहुंचा जा सकता है। दूसरी ओर क्लैरा से सच जानने के लिए उसे इलिनॉयर के कॉलेज में बुलाया जाता है, लेकिन जब
इलिनॉय के टीचर को सब कुछ पता चली गया है, इसलिए क्लैरा उसको मारकर उसका खून पीकर वापस घर आ जाती है। घर वापस आकर क्लैरा इलिनॉय को काफी डांटती है और उसे कहती है कि अब हमें फ्रैंक को मारना ही होगा। लेकिन इस बात से नाराज होकर इलिनॉय अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है, जहाँ उसको रोकने की कोशिश में होटल के मालिक की जान भी चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि इलिनॉय जिस लिफ्ट में जा रही होती है वो अचानक से बंद हो जाती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए क्लैरा फ्रैंक को मारने के लिए चली जाती है। दूसरी ओर हम उन्हीं वैम्पायर्स को देखते हैं जो क्लैरा की तलाश में लगे हुए थे। जल्द ही वो इलिनॉय के कॉलेज पहुंचकर खुद को पुलिस वाला बताकर उनका पता ले लेते हैं। उधर इलिनॉय होटल के मालिक का फोन लेकर फ्रैंक को कॉल करके सब कुछ बताने ही वाली होती है, लेकिन तब तक उसकी मॉम वहाँ पहुँच चुकी होती है और वो बस उसको मारने ही वाली होती है। तभी क्लैरा फोन पर सेवेला की आवाज सुनती है, यानी कि बाकी वैम्पायर्स ने इलिनॉय को पकड़ लिया है। इस बात से क्लैरा बुरी तरह से घबरा जाती है और फ्रैंक को छोड़कर अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाती है। वहीं हम एक कार को देखते हैं जिसमें वो दोनों वैम्पायर्स इलिनॉय और उसके टीचर को लेकर जा रहे होते हैं। दरअसल इलिनॉय के टीचर को भी उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए उसको भी रास्ते से हटाना जरूरी है। अब तक इलिनॉय भी समझ जाती है कि ये दोनों वैम्पायर्स हैं और इनमें से एक डार्वेल है जो अभी तक जवान बना हुआ है। खैर थोड़ी देर में क्लैरा आकर उनकी गाड़ी पर हमला करके सामने के शीशे को तोड़ देती है, लेकिन अचानक कार से उसका हाथ छूटने की वजह से वो दूर जाकर गिरती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सेवेला उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मौका मिलते ही क्लैरा साइड में छुप जाती है। गाड़ी से बाहर निकलने से पहले सेवेला इलिनॉय के टीचर को मार डालता है और दोनों वैम्पायर्स क्लैरा को ढूंढने लगते हैं और एट लास्ट वो दोनों क्लैरा को पकड़ ही लेते हैं। सेवेला वापस जाकर अपनी कार से बाइजेंटियम की बनी एक तलवार को लेकर आती है। ये कोई आम तलवार नहीं है, इस तलवार को खास वैम्पायर्स को मारने के लिए बनाया गया था। खैर वो ये तलवार डार्वेल को देकर क्लैरा को मारने के लिए कहता है। उसका ऑर्डर फॉलो करते हुए डार्वेल क्लैरा का गला काटने का नाटक करके सेवेला का ही गला काट देता है। जी हाँ, डार्वेल अब क्लैरा को पसंद करने लगा था, इसीलिए अब वो अपने प्यार को खोना नहीं चाहता है। इसके कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि इलिनॉय फ्रैंक को उसी गुफा में लेकर जाती है और एक वैम्पायर बना देती है और ये चारों लोग मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ब्रदरहुड के लोग इनका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जिसके साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी बाकी सभी वैम्पायर स्टोरी से काफी अलग थी। पहली बार किसी फिल्म में वैम्पायर्स के ओरिजिन के बारे में बताया गया है। वैसे आप सब में से कितने लोगों ने ट्वाइलाइट सीरीज देखी है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। सो विद ऑल दैट सेड, फिलहाल तो इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई अमेजिंग स्टोरी के साथ। लेकिन हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।